शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी बेटियों, मेरी बहनों और मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे दोस्त सबसे मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप जिस काम के लिए निकले हुए हैं, ये बच्चों की जंग है और ये आपके बच्चों की जाती बच्चों की जो जिस्मानी है उनके लिए आपके रूहानी बेटों बेटियों की भी जंग है। ये अदारे बंद हो गए। मैं अपनी अगर एक हिस्ट्री बताऊं, रेवर के रेवर है जो हमने डॉक्टर के तौर पर उठाए थे, कहां 87-83, कहां उसका बेटा डॉक्टर और कहां एक आदमी एक चरवाहा, कहां उसका बेटा डॉक्टर। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, मेरे एक एक भाई की इसी तरह कहानी है। तो ये हम गरीबों की जंग लड़ रहे हैं। तो कारकर्दगी की अगर बात हो तो सबसे बुरी कारकर्दगी नकली तेरी है। आज एक हफ्ते से ज्यादा होने वाला है तालीमी अदारे बंद, इससे बुरी कारकर्दगी क्या होती है। दूसरी बात, अगर तू मुवाजना करता है उस्ताद के किरदार का तो मैं तुझे आकर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल दूंगा। एक जंग में कुछ कैदी आए, वो कैदी वो थे जो आका के खिलाफ लड़े थे, रसूल खुदा के खिलाफ लड़े थे और वो काफिर थे, गुनाहगार नहीं थे, काफिर थे। काफिर बहुत बुरी बात है। और मेरे आका ने फरमाया, इनमें से ऐसे लोग खड़े हो जाओ जो पढ़े लिखे हो। क्या वो काफिर थे? उन्होंने इस्लामियात नहीं पढ़ानी थी, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ाना था, उनकी दुनियावी तालीम थी जो भी थी, तो उन्होंने वो पढ़ाना था। और मेरे आका का क्रेडिट देखो, आका ने फरमाया जो हमारे एक एक बच्चे को पढ़ा देगा वो फारे गए, उनसे ना तावान लिया जाएगा ना कैद की जाएगी। वो नकली बात सुन कभी किताब भी खोल के देख ले, मेरी तेरे से बात नहीं है, तू इब्ने ज़ियाद है, तेरे पीछे यजीद है। हम जानते हैं, हमारे बाल सफेद हो गए हैं। हम इसी महकमे में, मैं साइंस टीचर आया हूँ, मैं हलफ देता हूँ अगर किसी बच्चे से मैंने ट्यूशन ली, मैंने 36 साल इम्तिहान लिए, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को हाजिर नाजिर करता हूँ। अगर मैंने चीटिंग की हो, चीटिंग का हिस्सा बनाऊ मुझ पर ला करना। मैंने इंतजाम किया है और मैंने इस मुल्क के जितने भी कवानीन है उससे टकराया हूँ। तुम समझते हो बच्चों की तलाशी, मैंने बच्चों के जिस्म पर हाथ भी नहीं लगाने दिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ, बुरे बड़े होते हैं, छोटे नहीं है। हम इन बच्चों के वकील भी हैं, उस्ताद बच्चों का वकील भी होता है। आपसे मेरी एक गुजारिश है कि मैं कम अज कम 20 से 25 साल तक मैं कट ऑफ रहा, इसलिए कट ऑफ हो गया था कि आप ना आगे चलते हैं ना पीछे चलते हैं ना साथ चलते हैं, मैं आपसे दूर हो गया था। आप मुझे दोस्त लेकर आए हैं, तो मैं आ गया हूँ। लेकिन याद रखूं, जब मैं होता हूँ तो होता हूँ, नहीं होता तो मैं इलाकिया नहीं होता, मुझसे मुनाफत हो। हम उस्ताद हैं। मैं आपके गुजारिश करता हूँ, मैं आपके लिए शायद नया चेहरा हूँ, लेकिन मेरे लिए आप मेरा नाम नया चेहरा, नए चेहरे का नाम नहीं है। मुझे बच्चे बच्चे जानते हैं, एक एक आदमी जानता है। और जहाँ तक उस्ताद का किरदार, तो याद रख मेरे घर में मेरी 3 बेटियाँ तो सिर्फ डॉक्टर। तू क्या समझता है, हमें सिला मिल गया है, हमें सब कुछ मिल गया है। अब भी हम लड़ रहे हैं तो खुदा की कसम गोरबा के बच्चों की जंग लड़ रहा हूँ, मैं सदरंग मिरासी के बच्चे की जंग लड़ रहा हूँ जिसके पास जूते नहीं थे और आज वो डॉक्टर है। और एक चरवाहा था, मैंने उसे कहा तुम्हारा बेटा मैं तुम्हें डॉक्टर बना दूं, कहने लगा बना दे, उसको ये पता ही नहीं था। उसको आज बेटा डॉक्टर है और वो कोठी बना रहा है, उसकी इतनी बड़ी कार है और साथ आज भी खुश हूँ, मैं पैदल चल रहा हूँ, मोटरसाइकिल भी नहीं है। लेकिन मैं शुक्र पढ़ता हूँ कि जो ओहदा मुझे दिया गया वो कायनात में मेरे रसूल ने अपने लिए मुंतखब किया था। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। एक बात मैं आखिरी करूँगा, ये अपील है मेरी कि कल हर बंदा एक साथी और नया लेकर आए। और मेरी बेटियों सलाम आपको, आपका आना इस कौम पे मुंह पे लानत है। जिसकी बेटियां और बेटी हो पे और बहने जलील हो, ये कौन सी शराबत है, ये कौन सी शराबत है। तुम्हें सिर्फ तकरीरें करना आती है, अमल तो तुम्हारे करीब से भी नहीं गुजरा। मैंने एक एक देखा है, ये सारे तुम्हारे नहीं है। और लोगों को नहीं पता, खुदा की कसम उस्ताद के अलावा कोई किसी गरीब का पुरसान हाल ही नहीं।
सारा दिन हम दस्तखत करते हैं और लोगों को पाकिस्तानी बनाते हैं। ये आईडी कार्ड पे हमारे दस्तखत होते हैं, वो पाकिस्तानी बन जाते हैं। किसी उस्ताद ने एक रुपया तक नहीं लिया, जबकि हम वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, पैसे बटोरे जाते हैं। हम इनसे मुकाबला हमारा नहीं है, इनसे मुकाबला नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कितनी बदबख्त वो कौम है जो उस्ताद का मुकाबला करती है। बात सुन, तू हमें कुर्सी पे बिठा सकता है, हाजिर कर सकता है, पढ़ाया दिल से जाता है बच्चू, तू पढ़ा नहीं सकेगा, तू पढ़ा नहीं सकेगा। मैं तुझे एक मिसाल देता हूँ, धमकी नहीं है, मैं एक मिसाल देता हूँ। याद रख, उस्ताद की लगी हुई का 20 साल बाद पता चलता है जब बांग्लादेश बन गया। मोहतात रह जाओ, मोहतात रहो, अगर ये मेरे उस्ताद खुदा की कसम तुम साबित कदम हो, तुम कायनात में तुम सबसे, मैं कहता हूँ तुम मंसूस में नल्ला हो, तुम उस सीट पर आए हो, तुम्हारा जो किरदार है उसको मैं सलाम करता हूँ। खुदा की कसम, मेरे बाप ने सारी उम्र उस्ताद की नौकरी की है। उस्ताद आज हम पढ़ गए हैं, उस्ताद का मुकाबला न करें, और आपसे गुजारिश है कि पीछे न हटे, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, कलमे की कसम नहीं कर सकते। तुम आते रहो, हम आते रहेंगे, और हम अगर बैठे भी नहीं तो तुम हमारा क्या कर सकते हो। तुम्हें पढ़ाने के लिए हमारी खुशामद, दुनिया में एक हस्ती है जिसकी खुशामद भी जायज है, जिसको मैं कहता हूँ उस्ताद, उस्ताद की खुशामद भी जायज है। उस्ताद का वो लेवल है, उस्ताद के मकाम की बात करने वालों को मैंने ये जवाब दिया है। आपसे मेरी गुजारिश है, एक साथी और लेकर आए, एक साथी और लेकर आए। इनसे पूछो कि अगर आप 10 बजे जाए महकमों में, एक अदारा उस्ताद का स्कूल होता है जो 7:30 खुला होता है पूरे पाकिस्तान में, बाकी सब बंद होते हैं, सब 10 बजे आते हैं। और तुम सियासी, तुमने तो अपना टाइम भी असेंबली का 3 बजे रखा हुआ है, 12 बजे तो तुम उठते हो लानती, तुम तो मर जाते हो शाम को 4 बजे जब नमाज का वक्त होता है, तुम्हें नींद आ जाती है, तुम जब उठते हो 12 बजे नाश्ता करते हो, 1 बजे गाड़ी निकलती है, तुम 3 बजे असेंबली में जाते हो, बातें करके वापस आ जाते हो। तुमने कौन सा तीर मारा है कि तुम अपनी तनख्वाहें 300% बढ़ाओ, और इसातजा को तुम कहो कि तुम वॉलंटियरली काम तो हम वैसे कर रहे हैं, तुम्हारे मुल्क की उस्तादी करना कोई आसान काम है? और अगर तुम्हें पत्थर पड़े तो काम जाओ, तो जो शर्मा जो होता है फलदार दरख्त, उसको पत्थर पड़ते हैं। और मैं खुदा की कसम, ये सुन्नत रसूल है, तुम्हें गालियां दे, ये सुन्नत रसूल अदा कर रहे हो, तुम्हें पत्थर लगे, ये सुन्नत रसूल है, क्योंकि जो भी हक पे होता है, जो सच पे होता है, उसको मार पड़ती है। हम इसके लिए हाजिर हैं, लेकिन हम तुझे ले डूबेंगे, तेरे निजाम को भी ले डूबेंगे। हम तो चाहते हैं तू ना बढ़ा, तू लबड़ा के ये तहरीक बढ़े और हमारी नस्ल आजाद हो, हमारी नस्ल आजाद हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग अल मुबीन। आप कल आए, कल हम तकरीर करेंगे, आज तो हमने गुजारिश की है। अल्लाह आपका हाथ अपने